मैं पूजा पीतलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास थर्ड क्लास का हिंदी व्याकरण का पांचवा लेसन पढ़ाऊंगी लिंग, है ना। लिंग के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया में या हमारे आसपास जो भी व्यक्ति प्राणी या वस्तु हैं वे सभी स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं, है ना। जैसे देखो, दादी कहानी सुना रही है, मोर नाच रहा है ना, बतख पानी में तैर रही है, लड़का सेब खा रहा है। ऊपर दिए गए वाक्य को पढ़ने से यह समझ में आता है कि दो तरह के प्राणी होते हैं, स्त्री और पुरुष। दादी और बतख स्त्री जाति के हैं तथा मोर और लड़का पुरुष जाति के हैं। तो पहले स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे माँ, लड़की, नानी, चुईया, घोड़ी, गाय आदि जो स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं, स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं ना। अब पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बैल, पिता, नाना, घोड़ा, शेर आदि, है ना। और कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, कुलपति आदि, इनके लिंग नहीं बदलते। क्या है? राष्ट्रपति मतलब पद ही है ना, इनके लिंग नहीं बदलते। और लिंग के भेद, है ना, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है ना, उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मुर्गा, मोर, लड़का, बेल, है ना। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मुर्गी, मोरनी, लड़की, गाय, है ना, समझ में आ गया ना। इसलिए कितने लिंग के कितने भेद होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इन्हें भी जैसे याद करो, जैसे ये दे रखा है बुक में, है ना, हाथी का हाथीनी, मूर्ख मूर्खा, बाघ बाघिन, घोड़ा घोड़ी, कुत्ता कुतिया, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चेंज हो रहे हैं ना। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। क शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन लिंग या कारक लिंग कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से संज्ञा के पुरुष जाति होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग, वचन, पुल्लिंग, पुल्लिंग कहते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखे। जैसे नायिका तो नायक, चाचा चाची, भांजा भांजी, दादी दादा, बिल्ली बिल्ला, धोबिन धोबी, बाघ बाघिन, राजा रानी, ये आपको बुक में करना है ना। अब रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। जैसे मालिन फूल चुन रही है, इसको क्या बनना है? रंगीन शब्दों को क्या बदलना है? लिंग बदलना। मालिन है तो माली हो जाएगा, माली फूल चुन रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी दौड़ रही है। लड़की लिख रही है तो लड़का लिख रहा है। गायिका गीत गा रही है, गायक गीत गा रहा है। अध्यापक पढ़ा रहे, अध्यापिका पढ़ा रही है। इसका लिंग चेंज करके वाक्य वापस पुनः बनाए, ये आपको बुक में करना है। पहला भी बुक में, सेकंड थर्ड तीनों बुक में। और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर क्या करेंगे हम आपको फोटो सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके बाय।